हेलो फ्रेंड्स मैं हूं हूँ शिफालिकजरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज विद क्लियर टैक्स जीएसटी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है जो हमारा एंटायर रिटर्न फाइलिंग सिस्टम है उसको माइग्रेट किया जा रहा है सिम्प्लीफिकेशन की तरफ और इसके लिए छोटे टैक्स पेयर का स्पेशली ध्यान रखा जा रहा है जो हमारा एम सेक्टर है उसका ऑल दो जो स्मॉल टैक्स पेयर को डिफाइन करता है और जो एम सेक्टर करता वो है वो ऑल टुगेदर कम्पलीटली डिफरेंट है बट यहाँ पे छोटे टैक्स पेयर के लिए एक न्यू स्कीम लॉन्च की गई है क्यू एफ एम पी स्कीम अब तक हम लोग अपनी जो हमारी आर वन है उसे हम लोग क्वार्टरली फाइल करते थे और थ्री बी को हम लोग हमेशा मंथली फाइल करते थे लेकिन अब हम लोग दोनों को ही यानी कि जी एस टी आर वन और थ्री बी दोनों को ही क्वार्टरली फाइल कर पाएंगे लेकिन जो हमारा टैक्स पेमेंट है वो मंथली ही रहेगा और इसके लिए एक मेकेनिज्म है जो अभी डेवलप किया जा चुका है तो आपको ध्यान रखना है कि आप दोनों क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं लेकिन आर वन हम पहले भी क्वार्टरली फाइल करते थे अब उसको और स्मूथ करने के लिए उसको आईएफएफ फैसिलिटी के साथ लाया गया है यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी लोग क्वार्टरली आर वन फाइल कर रहे थे उन सब लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि भाई जो हमारे इन्वायसेज हैं उसको हम लोग मंथली अपलोड कैसे करें ताकि जो मेरा बायर है उसके टू ए या टू बी के अंदर वो रिफ्लेक्ट हो सके तो उसके कारण बहुत सारे लोग उनसे परचेज नहीं करना चाहते थे तो उन्होंने उनका भी एक सॉल्यूशन निकाल के लाया है अब आप इस स्कीम के थ्रू इन्वायस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू आपके जो फिफ्टी लैख रुपीज़ तक के इन्वायस हैं पर मंथ फिफ्टी लैख का मतलब एक नहीं सारे इन्वाइस जो क्यूमलेटिवली फिफ्टी लैख तक हैं और बी टू बी इन है मतलब जो बी टू सी अभी नहीं कर सकते आप उसकी ज़रूरत ही नहीं आपको करने की उनको आप इस फैसिलिटी के थ्रू मंथली अपलोड कर सकते हैं और मज़े की बात क्या है कि वो टू ए के अंदर ऑटो रिफ्लेक्ट भी होंगे यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ हमें से बहुत सारे लोगों ने एक रूल बना लिया है और वो रूल हमने क्या बनाया कि थर्टी सिक्स फोर के हिसाब से आपका अगर टू ए के अंदर ऑटो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप आई टी सी ले सकते हो गलत थर्टी सिक्स फोर ने यह कहा कि थर्टी सेवन की जो रिटर्न है उसमें जैसे आपको फर्निश करना था अगर आपने वैसे उसको फर्निश कर दिया है तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो तो यहाँ पे ध्यान रखिए अगर इसको थर्टी सेवन की जो रिटर्न के रूल्स हैं वहाँ पे इंकॉर्प्रेट कर दिया जाएगा आईएफएफ को तो अगर इसके हिसाब से आपके सप्लायर ने फर्निश कर दिया तो आप एलिजिबल हो लेने के लिए अब उसने फर्निश किया आपके टूए में भी रिफ्लेक्ट हो गया आपने उसको ले लिया वो रिटर्न फाइल करते हुए उसको कैसे कंट्रोल करेगा सी सी कि वो जी एस में फिर उसका पेमेंट करे ही वो एक अलग चीज़ है लेकिन आप इसके बाद एलिजिबल हो जाओगे पहली बात दूसरी चीज़ ये कि जब आप जी एस वन फाइल करोगे अपनी क्वार्टरली तो आपका जो आई के अंदर ऑलरेडी इन्वाइसेज़ आ चुके हैं वो आपको दोबारा दिखाने की ज़रूरत नहीं है वो एक बार आपने फाइल कर दी वहीं से वो आ जाएंगे अच्छा आपको लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जो कहीं लिखा नहीं है ये मैं आपको सिर्फ अपनी सोच के हिसाब से बता रही हूँ कि आपने अगर आई में मान लीजिए पचास लाख के इन्वाइस अपलोड किए एक महीने में और पचास लाख के दूसरे महीने में तो आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप सेल्फ असेसमेंट करके जो टैक्स है उसका अकॉर्डिंगली पे कर दें या ऐसा ना हो कि आपके मतलब यहाँ पे आप टर्न बहुत दिखा रहे आप सोचो कि अभी इन वॉयस दिखा तो बाद में इनको हटा देना कहीं ना कहीं जी फ्यूचर में जाके इस चीज़ को कंट्रोल ज़रूर करेगा कि आप जो आर वन फाइल करके ऑटो रिफ्लेक्ट कराते हो और जब थ्री बी में टैक्स पे करते हो उन दोनों को लिंक किया जा सके और आपने अगर आर में लाइबिलिटी डिक्लेयर की है तो थ्री में आपको रोका जा सके उस लाइबिलिटी से भागने के लिए क्योंकि आर के बेसिस पर सामने वाले को आई मिल जाता है राइट right? कहीं तो ना कहीं जीएसटी की ये कोशिश जरूर रहेगी आने वाले फ्यूचर में और अभी तक जितने भी फ्रॉड हो पाए हैं जीएसटी में उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारी जो आर वन है उसके थ्रू ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाता है लेकिन थ्री बी में लोग पे नहीं करते टैक्स अच्छा अब एक और बहुत अच्छा चेंज आने वाला है अच्छा है बुरा पता नहीं फ्यूचर में आप जीएसटी आर वन को बिना एच एस एन कोड के फाइल नहीं कर पाएंगे एच एस एन कोड में अब तक आपको एग्जैम्पन मिली हुई थी लेकिन अब इेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्न आपको आर वन में एच एस एन कोड देने पड़ेंगे तो आपके लिए अच्छा क्या है क्या व्हाट इज़ अच्छा कि आप अपनी जो एच एस एन कोड है प्रोडक्ट्स की उसकी लिस्ट अभी बना लो इसके लिए मैं स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली एक वीडियो करूँगी जिसमें मैं एच एस एन कोड ही कैसे पता लगाना है वो आपको सजेस्ट करूँगी तो इसकी आप एक अभी से लिस्ट बना लो कि मेरे प्रोडक्ट के एच एस एन कोड्स क्या क्या हैं देन ई e इनवॉइसिंग जो है वो सौ करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनी है उनके लिए मैंडेटरी कर दिया जाएगा एक जनवरी से तो अभी तक ये और बड़ी कंपनी पांच सौ करोड़ वाली के लिए लेकिन अब ये सौ करोड़ वाली के लिए मैंडेटरी हो जाएगा तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स जो अभी तक इस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे थे वो अब कर रहे हो जनरली मैंने देखा है कि सब लोग इसको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर रहे हैं तो मैनुअल तो ये प्रोसेस बहुत ही मुश्किल है सॉफ्टवेयर के थ्रू ही ये चीज की जा सकती है तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो हमारी इनवाइस ई इनवॉइसिंग है वो अब एक जनवरी से इन लोगों के लिए भी मैंडेटरी हो जाएगी ड्यू डेट्स आपको जैसे कि पता है कि नोटिफाई करता है टाइम टू टाइम सीबीआईसी सी जैसे हमें कई बार पता भी नहीं चलता और पता करने की जरूरत भी नहीं पड़ती बट वो हमेशा उसको नोटिफाई करते हैं बीच बीच में क्योंकि वैसे तो ड्यू डेट जो है हमारे सी एक्ट के अंदर लिखी गई थी राइट लेकिन वो चल नहीं पाई

फॉर एग्जाम्पल आपका अगर जे टू मार्च वाला क्वार्टर है तो आपको आर वन कब तक फाइल करनी है छोटे टैक्स पेयर को थर्टीन ऑफ अप्रैल तक चलिए आगे बढ़ते हैं ड्यू डेट जो हमारी जीएसटी आर थ्री बी की है उनको भी नोटिफाई कर दिया गया है बड़े टैक्स पेयर के लिए अगले महीने की बीस तारीख है छोटे टैक्स पेयर के लिए उसको बाईस और चौबीस दो स्लैब्स में तोड़ दिया गया है डिपेंडिंग ऑन स्टेट्स अच्छी बात यह है कि जब आप पोर्टल पर लॉग इन करते हैं तो आपकी ड्यू डेट वो खुद ही आपको दिखा देता है कि क्या है तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं तो बहुत ज्यादा उसकी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है जीएसटीआर टू में जो आई के थ्रू इनसे फर्निश किए गए हैं उसको ऑटो रिफ्लेक्ट करेंगे ऊपर ऑलरेडी कवर कर चुकी हैं उसको और जीएसटीआर टू के अंदर अच्छी चीज क्या है जो इंटीग्रेटेड टैक्स हम पे करते थे इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पे और इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के टाइम पे हम कैसे करते हैं हम लोग बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बोलते हैं जिसको हम। और जब हम एस सी से कुछ परचेज करते हैं तब भी हमें बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है तो उन दोनों बिल ऑफ एंट्री की डिटेल भी कहा आ जाएगी हमारे जीएसटीआर टू ए के अंदर ऑटो नेक्स्ट जीएसटी आर टू बी जिसको कि हम लोग स्टेटिक आई टी सी स्टेटमेंट बोलते हैं वो जीएसटी इन पोर्टल पर कब हो जाएगी अवेलेबल ग्यारह तारीख को उसका डेटा अवेलेबल हो जाएगा किसका जीएसटी आर वन के जो मंथली फाइलर्स हैं और क्वार्टरली फाइलर्स के केस में तेरह तारीख को आपको डेटा वहाँ पे अपडेट हो जाएगा अब उससे होगा क्या जिन लोगों ने लेट फाइल किया नहीं फाइल की उनका डेटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हो पाएगा तो उनके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा नेक्स्ट टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग आई टी सी जीरो फोर आई टी सी जीरो फोर ने हम सबको बड़ा परेशान किया है कौन फाइल करता है आई टी सी जीरो फोर जो लोग जॉबर के लिए गुड़ भेजते हैं या उन्हें वापस मंगाते हैं उसका लेखा जोखा जो हम आई टी से जीरो फोर में देते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म था और काफ़ी टाइम तक इसको लोगों ने भरा नहीं क्योंकि पोर्टल भी इसको ठीक से अप्लीकेबल नहीं कर पाया था फिर इसको कुछ सिम्प्लीफाई किया गया और अब दोबारा से इसकी डेट को तीस नवंबर तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया इसकी डेट को सेप्टेंबर तक के क्वार्टर के लिए हम क्वार्टरली फाइल करते थे सेप्टेंबर तक के क्वार्टर के लिए जो फाइल होना था उसकी डेट को नेक्स्ट जो आपकी टैक्स ड्यूज़ हैं अब ये हम लोग एफ एम एफ एफ एम एफ पी अब हम लोग क्यू एफ एम पी स्कीम के हिसाब से जो हमें पेमेंट करना है टैक्स का उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो ये तीन चार पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं इकट्ठे मिला रही हूँ सबसे पहले तो आपको अगले महीने की पच्चीस तारीख तक पी एम टी जीरो सिक्स जो कि ऑटोमेटेड चलाना है उससे आप पेमेंट कर सकते हो इसमें आपके पास पेमेंट के दो ऑप्शन हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं आपके पास ऑप्शन ये है कि जो ये स्कीम है इसमें आप एफ एस एम यानी फिर फिक्स सम मेथड और एस ए एम यानी कि सेल्फ असेसमेंट मेथड दोनों को यूज़ कर सकते हैं दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करके आपने जो टैक्स पेमेंट है उसको आप कर सकते हैं यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि एफ एस एम के अंदर अगर आपके कैश लेजर में ऑलरेडी पैसे पड़े हुए हैं तो आपको इसमें और ज़्यादा डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है कैश लेजर में अगर इनफ है आपके तो थर्टी फाइव परसेंट आपको देना है मान लो उतना पहले ही कैश लेजर में पड़ा है तो आपको और डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है साथ में जो हमारी QFMP स्कीम है इसमें एक अच्छी चीज ये भी है कि QFMP स्कीम जो है वो जीएसटीएन वाइज ऑप्शनल है मतलब हमारी बाकी सारी स्कीमें जैसे कंपोजिशन है या कोई भी स्कीम है उसमें तो क्या होता है वो हमारी पैन बेसिस पे होती है लेकिन यहाँ पे अगर आपने एक जीएसटीएन में मंथली लिया है तो आप एक में क्वार्टरली भी ले सकते हैं तो वो मैंडेटरी नहीं है और इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं पाँच करोड़ से टर्न वाले तो कर ही सकते हैं जो लोग कंपोजिशन से स्विच हो के अभी अभी नॉर्मल स्कीम के अंदर आए हैं इसको वो भी ऑप्ट कर सकते हैं तो कुछ कंपोजिशन वालों को भी लगेगा कि यार मंथली पेमेंट तो वहाँ पर भी है अभी आप इसको क्या करेंगे जो छोटा टैक्स पेयर है वो तो उसको कंपोजिशन से कंपेयर करेगा ना दो करोड़ तक वाला तो कहेंगे यार वहाँ पर भी मंथली पेमेंट है जो हम सी एम के थ्रू करते हैं ठीक है और क्वार्टरली फाइलिंग है अब यहाँ पे भी मंथली पेमेंट है और क्वार्टरली फाइलिंग है तो काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि क्योंकि कंपोजिशन में जाने के कुछ नुकसान भी होते हैं तो कि हम इसी में शिफ्ट हो जाएं तो जो लोग उधर से यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं वो भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं हमारी क्यू एफ एम पी स्कीम को तो ये हमारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स से रिलेटेड टू जी एस टी इसी के साथ ही वीडियो में क्लोज़ कर रही हूँ थैंक यू सो मच अगर आप जी एस टी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फिर आप हमारा कोर्स उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं हम अपने कोर्स को अपडेट कर रहे हैं यानी कि जो नए रिटर्न्स हैं थ्री बी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो सब भी हम उसके अंदर इंकॉर्परेट कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सेशंस के थ्रू और जो कुछ रिसेंट नोटिफिकेशंस आए हैं उनको भी साथ ही जो इंपॉर्टेंट केस लॉज अभी तक चल रहे हैं उनको भी हम उसके अंदर कवर करते हैं डिफरेंट सेशनस के थ्रू तो अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं स्टूडेंट हैं आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी टैक्सेशन की नॉलेज नहीं है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक कोर्स भी है बिगनर्स के लिए आप वो वाला कोर्स जीएसटी जी का ज्वाइन कर सकते हैं